शासकीय शिक्षण संघ ने अपनी मांगों को रखते हुए कहा कि जिस तरह से 10वीं व 12वीं में अच्छा अंक लाने पर सरकारी शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को स्कूटी सहित उत्कृष्ट प्रमाण पत्र दिया जाता है, इसी तरह सरकार अशासकीय शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को भी स्कूटी सहित उत्कृष्ट प्रमाण पत्र व अन्य सुविधाएं दी जाए। सरकार अशासकीय शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों के साथ भेदभाव नहीं करे। सिंगरौली जिले के अशासकीय शिक्षण संघ की जिला कोषाध्यक्ष जयवली गुप्ता ने बताया कि हमारी सरकार से मांग है कि जिस तरह 10वीं व 12वीं में अच्छा अंक लाने पर सरकारी शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को स्कूटी सहित उत्कृष्ट प्रमाण पत्र दिया जाता है, इस तरह सरकार अशासकीय शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को भी स्कूटी सहित उत्कृष्ट प्रमाण पत्र सहित अन्य सुविधाएं दे। सरकार अशासकीय शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों के साथ भेदभाव नहीं करे। बच्चे 10वीं और 12वीं में जो पास होते हैं और सरकारी वालों को आप जो है लाभ दे रहे हैं, स्कूटी देना और उन्हें प्रमाण पत्र देना या लाभांतरित करना, और उसी तरह जो है प्राइवेट स्कूल को भी आपको उसमें लेना चाहिए, क्योंकि ये भी छात्र हैं और इस तरह का दो तरह का व्यवहार करना उचित नहीं होगा। इसलिए मैं अपने माध्यम से और इस मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार जो है कि सौतेला व्यवहार ना करके और प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल को एक जैसा व्यवहार करे और एक जैसे बच्चों को लाभ से उन्हें वंचित न करे, उन्हें लाभ दे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।